एंड वेलकम टू शी रिव्यूज़ आज हम एक बहुत ही मज़ेदार गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं एंड आई टेल यू माई ऑन एस्टोरी कि मैंने जब इस गाड़ी को इंटरनेट पर देखा था तब आई वॉज़ लाइक हाँ ठीक है नॉर्मल एस यू वी है बट जब मैंने इसको लाइव देखा ना तो आई वॉज लाइक कि भाई साहब क्या गाड़ी बना दी लाइक like, इसका फ्रंट पार्ट ने मुझे इतना इम्प्रेस किया ना आई कान टेल यू तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी उसके इंजन के बारे में बात करते हैं सो दिस कार हैव क्रायोटेक 2.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन ऑफ 1956 सीसी जो कि प्रोड्यूस करेगा 167.67 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर की टॉर्क और ये मैनुअल ट्रांसमिशन विथ सिक्स स्पीड गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है तो चलते हैं इसके मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो कि मुझे लगा इसका फ्रंट सो यू हैव एग्रेसिव लुकिंग दी आर प्यारे से हेड लैम्प फॉग लैम्पस और काफ़ी सपोर्ट गिविंग बम्पर और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है ऑफ अबाउट टू जीरो फाइव मिलीमीटर और ये गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है दिखने में इसमें आपको पावर एडजस्टेबल ओआ वी एम्स विथ टर्न इंडिकेटर्स एक प्यारी सी क्रोम बॉडनिंग जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देती है अब टायर्स की बात करें तो 17 इंच के ट्यूबलेस एंड रेडियल जेट ब्लैक अलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए गए हैं और रूफ पे यू हैव हाँ शाक्विन एंडीना पेनोरामिक सन रूफ विथ एडिशनल फीचर्स लाइक ग्लोबल क्लोज एंटी पेंच एंड रेन सेंसिंग क्लोजर एंड वन थिंग इज मिसिंग विच इज़ द रूफ रेल्स अब रियल लुक देखें तो यू हैव स्पॉइलर, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट रेन सेंसिंग वाइपर एंड वॉशर बहुत ही अट्रैक्टिव टेल लाइट एंड थ्री डी हेरियर तो लुक्स वाइज तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है बट लेट्स सी क्या इसकी फ़ीचर्स भी उतने अट्रैक्टिव है या नहीं सो लेट्स गेट इन टू द कार सो यू हैव की एंट्री एंड स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री टू गेट इन टू द कार The seats have all the required adjustments and supports. The interior is dual tone. Ventilated seats are given with tri arrow design. Then you have bronze finish dashboard, engine start stop button, tilt and telescopic power adjustable steering wheel with steering mounted controls, AC or Sardiome heater, automatic climate control, air quality control, low fuel warning light, accessory power outlet. Cup holders at front, cruise control, center console armrest with storage, 17.78 color TFT display in instrument cluster with tachometer, multi trip meter, clock, odometer, and then a glove compartment with laptop tray, aero throttle style handbrake, leather wrapped gear shift selector. Smart 3 USB charging point A and C type in front and rear, and also wireless smartphone charging, and all over 28 intelligent utility spaces are there. And you also have second row seat belts and central armrest with two cup holders. Next, you have three driving modes which are Eco, City, and Sport, and three Terrain modes are also there: normal, rough, and wet. Rear parking sensors with display on infotainment are also there in this car, or hum Indians' favourite feature, which is the infotainment system. This car is having 8.8 .8 inch touchscreen with high resolution display, Android Auto, and Apple CarPlay. विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ लाइक लिटिल स्मॉल बिकॉज इन कार्स लाइक एम जी हेक्टर जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस में पड़ती है उसमें टेन पॉइंट फोर इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है सो आई थिंक इसमें भी थोड़ा और बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम देना चाहिए था टेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इट स्पीकर सो दिस कार इज़ हैविंग नाइन जे बी एल स्पीकर इन विच फोर आर स्पीकर फॉर ट्वीटर्स एंड वन इज़ सवूफर तो अब बात करते हैं सेफ्टी की जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू चेक बिफोर बाइंग एनी कार सो दिस कार इज़ हैविंग सिक्स एयरबैग्स ऑटोडिमिंग डे एंड नाइट आई आर वी एम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम follow me home headlamps anti-theft alarm electronic parking brake all-wheel disc brakes hill hold hdc exclusive esp safety feature and almost every feature you want your car to carry so this was all about the specs and features of this car and now if you are thinking to buy this car to buy lo jaake. क्या नहीं है इस गाड़ी में लाइक इट इज ट्रूली वर्थ पेइंग फॉर इट इन अप्रॉक्स ट्वेंटी लैक्स दिस कार इज प्रोवाइडिंग यू ऑलमोस्ट एवरी फीचर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट नीड्स लुक्स वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगती है और ब्लैक कलर तो इज लाइक आय हाय हाय जो क्रोम एलिमेंट दिया है ना वाई गॉड गाड़ी बहुत प्रीमियम फील देती है तारीफ़ें तो बहुत हो गई अब कुछ कमियों पर गौर करते हैं तो सबसे पहले इसका 8.8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि टू बी ऑनेस्ट इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी छोटा डिस्प्ले है लाइक आई टोल्ड यू बिफोर एम जी हेक्टर जो कि अबाउट सेम प्राइस में पड़ती है उसमें भी आपको 10.4 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है सो so, या yeah, इसमें भी कर सकते थे और नेक्स्ट इस कुछ फीचर्स लाइक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि इसके रॉबल लाइक एम जी हेक्टर प्रोवाइड करते हैं तो या कर सकते थे इसमें भी सब दिया है ये भी दे देते हैं सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू शी रिव्यूज़